हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और बीकॉम फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का भी संभाल लीजिए। अब इस बार से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी है कि सेक्शन ए सेक्शन बी दो करके होंगे। सेक्शन ए में कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में ऑप्शनल्स रहेंगे। और अब इसमें एक ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो थ्योरी निपटा दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में फंस गए और कर नहीं पाए तो समय निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा हमने अक्सर देखा है अपने एनुलेशन के भी समय पे और भी चीज़ों में देखा है कि बच्चे न्यूमेरिकल ही करते रह गए, थ्योरी फिर बाद में हड़बड़ाहट में उनसे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये सब गलतियाँ मत करिएगा, न्यूमेरिकल बाद में करिएगा और थ्योरी जो सबसे पहले आ रही है उसको करके सेव हो जाइएगा, ठीक है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि 100 में से 40 की थ्योरी आनी है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल पेपर है तो ये भी ध्यान रखिएगा, 40 की थ्योरी में से 40 नहीं मिलने वाला आपको, बहुत मिला तो 25 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के पेपर में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं थ्योरी वाइज, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला वाला जरूरी है, नेचर ऑफ अकाउंट, बेसिस अकाउंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है इसकी भी थ्योरी आ जाती है अक्सर, रिजर्व एंड फंड थ्योरी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद ये चैप्टर ज़्यादा थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस बार कुछ जो नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जैसे अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, एमलगेशन ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चूँकि इस बार पहली बार ऐड किया गया है तो इसलिए जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चांसेस ज़्यादा हैं न्यूमेरिकल इनसे आने की। बाकी अगर जो कन्वेंशनल देखा जाए तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से एक सम आता था, ज़्यादातर वो हायर परचेज का ही आता था, फिर ब्रांच का एक आता था जो पहले से आता रहा है, ठीक है, तो रॉयल्टी का एक सम आता था, तो उस तरह का, तो वो तो कन्वेंशनल वाली बात हो गई। लेकिन मुझको अपना पूरा यकीन है कि ये जो चार चैप्टर हैं, अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, एमलगेशन ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसमें से ही इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करेंगे, क्योंकि ये इस बार लगे हैं। बाकी कन्वेंशनल फॉर्म में तो हम लोग जैसे पहले बताते थे कि रॉयल्टी से एक आना ही आना है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से एक आना है, एक ब्रांच से आना है, तीन तो न्यूमेरिकल वैसे ही हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मेरी विशेष हिदायत यही है कि सबसे पहले थ्योरी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करिएगा, ठीक है। और फंसने मतलब जिसमें लग रहा है कि नहीं आ पा रहा है आंसर, तो उसको चीज़ों को वहीं पे देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें फिर फालतू टाइम मत वेस्ट करिएगा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यू करता है किसी भी पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और वर्किंग ज़रूर दिखाइएगा, जहाँ पर आपने जो सम किया है उसकी वर्किंग दिखा दीजिएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा दीजिएगा, राइट हैंड साइड पे सम कर लीजिएगा, चाहे उसके नीचे ही सम के दिखा दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग दिखा दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और अगर आपकी कोई समस्या परेशानी बनी हो तो फिर जैसे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछते रहते हैं, पूछते रहिएगा है।